मैथमेटिक्स क्या लिखा ये लिखा है लीप ईयर क्या लिखा लीप ईयर कभी सुना है इसके बारे में नहीं सुना तो हमने कहा लीप ईयर बताओ ये शताब्दियां दी हुई है 1700 1800 1900 2000 वाली शताब्दी चल रही है इस समय कौन सी चल रही है 2023 आ गई जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब 21 पे पहुंचेगी कितने पहुंचेगी अरे 2023 चल रही है इस समय जब ये कितने कर लेगी 100 पे तो हो जाएगी 2100 शताब्दी बाद में चलेगी समझ रहे हो तो इसमें कह रहे हैं लीप ईयर कैसे बताएंगे अगर इन संख्याओं को 400 से भाग कर दोगे किससे भाग कर दोगे 400 अगर जो संख्या 400 से पूरी पूरी कट रही है 400 से पूरी पूरी कट रही है तो वो कहलाएगी तुम्हारी लीप ईयर क्या कहलाएगी इसके समझ में आई आई अगर ये संख्या है कोई भी संदेह दे हम तुम्हारे लिए और 400 से आप भाग करोगे पूरी तरीके से भाग हो जाए तो वो कहलाएगी तुम्हारी लीप ईयर तो देखो देखते हैं कौन सी कट रही है इसको देखो जरा क्या 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसका बाकी देखो 0 से 0 कट जाएंगे 17 बचेंगे 17 को 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा बार अरे भैया ऊपर देख रहे हो 1700 बटे 400 दो जीरो काट दो कितने बचे 17 बटे 4 क्या पूरा पूरा कट रहे हैं ये लीप ईयर नहीं है अगला देखो 1800 दो जीरो काटो दो जीरो काट दो 18 बटे 4 हो जाएंगे क्या 18 4 से पूरा पूरा कट जाएगा नहीं कटेगा दो जीरो काट दो जैसे यहाँ काटे थे ऐसे करके हो जाएंगे 19 बटे 4 क्या 19 4 से कट जाएगा यहाँ आ जाओ दो जीरो काटो तो ऐसे लिख लो 2000 बटे 400 दो से दो जीरो काटो ये आ गया 20 बटे 4 4 एकम 4 4 5 पूरा पूरा कट गया तो इसमें लीप ईयर कौन सी हुई 2000 ये हुई तुम्हारी किसके समझ में आई है तो लीप ईयर निकालना आ गया अभी रुक जाओ लीप ईयर तो ये लीप ईयर नहीं है ये लीप ईयर नहीं है ये लीप ईयर नहीं है लीप ईयर में ध्यान दो कौन सी सादा वाली वर्ष में या लीप ईयर में फरवरी कितने सालों कितने दिनों की होती है जब लीप ईयर होती है तो एक दिन जो 28 होते हैं उसमें एक दिन और जुड़ जाता है तो लीप ईयर में फरवरी जो है तुम्हारी कितने दिन की हो जाती है 29 दिन की लीप ईयर में ही फरवरी 29 दिन की होती है ये ध्यान दे देना लीप ईयर में और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं इसमें 366 दिन होंगे और फरवरी कितने की होगी 29 दिन इसमें यानी 366 दिन होंगे इसमें 365 दिन होंगे इसमें 365 दिन होंगे इसमें होंगे 366 फरवरी कितने की होगी सबको समझ में आ गए कितने से भाग करते हैं शताब्दी कैसे पहचानोगे नहीं मालूम हम बता रहे हैं शताब्दी पहचानने का ट्रिक यह है शताब्दी की पहचान कैसे करोगे ये शताब्दी है या नहीं है तो ध्यान से देख लो जिस
सन के आगे दो जीरो हो, कितने हो? दो। समझ लो क्या है? शताब्दी है। क्या है? जैसे यहाँ 1700 रखे हैं, दो जीरो है इसके आगे। यस सर। यहाँ पर 1800 शताब्दी चल रही है, दो जीरो है इसके आगे में। यस सर। 1900 लिखा है, दो जीरो है यहाँ पर आखिर में। 2000 लिखा है, दो जीरो है इसके आखिर में। ये पहचान है। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।